आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। एडीजी सुरक्षा ने पुलिस सीआईएसएफ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ ताजमहल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना संकट काल की दूसरी लहर के दौरान सभी ऐतिहासिक इमारतों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जैसे ही अनलॉक हुआ, ताजमहल के दरवाजे भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। यही वजह थी कि ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार पहुंचे। आईजी नवीन अरोड़ा, एसएसपी मुनिराज जी, सीआईएसएफ अधिकारी, एएसआई अधिकारी और एसपी सिटी भी साथ में मौजूद थे। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने पुलिस और सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही कमियों को दूर करने की बात कही। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार का कहना था कि ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अपने अपने रोल से लेकिन लक्ष्य सबका ये, उसको हम कैसे करें कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो। कोई किसी पे दोषारोपण करने का उद्देश्य नहीं, कमी निकालने का उद्देश्य नहीं, एक टीम की तरह काम करके ऐसा करें कि जिस उद्देश्य से इतना सरकार पैसा खर्च कर इतना बड़ा सिस्टम बना रखी है, वो सिस्टम अपना ऑप्टिमम ले जाए। कागजी कार्रवाई जितनी चीज तक कागज में आपने भी कुछ किया, हमने भी कुछ किया, हुआ कुछ, अल्टीमेटली चीज़ों की बेहतरी से। शुक्रवार होने के चलते ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद था। यही वजह थी कि एडीजी सुरक्षा ने अन्य अधिकारियों के साथ बारीकी से ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तमाम सारी जानकारी सीआईएसएफ अधिकारियों से ली, साथ ही एएसआई अधिकारियों से भी बात की। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ताजमहल को खोला गया है। यही वजह है कि ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार आगरा पहुंचे। आला अधिकारियों के साथ ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को परखा, जरूरी दिशा निर्देश दिए और कमियों को दूर करने की बात भी कही गई है, क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए जिससे शरारतें उसका कोई फायदा ना उठा सकें। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।